जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका माइनिंग नॉलेज यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको माइनिंग की अपडेट्स और प्राइवेट माइंस की जॉब की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप जो माइंस में ट्रेनिंग कर रहे हैं उस माइंस में आपको क्या क्या सीखना है, आपको अपनी डायरेक्ट किस टाइप से मेंटेन करनी है। दोस्तों मैंने बहुत से स्टूडेंट को देखा है जो माइनिंग में ट्रेनिंग कर रहे हैं पर उसको कोई भी तरह का इन्फॉर्मेशन या नॉलेज नहीं है, वो अपने डायरी को मेंटेन नहीं करते हैं, वो कुछ सीखते नहीं हैं, यहाँ तक उसे स्टूडेंट को क्या सीखना है वो भी पता नहीं है, बस वो आते हैं हंसी मजाक करते हैं और चले जाते हैं। तो अपनी डायरी में क्या क्या मेंटेन करनी है और माइंस में क्या क्या सीखना है आइए देखते हैं इस वीडियो में। दोस्तों वैसे तो आप अपनी डायरी को अपने हिसाब से मेंटेन करें, जो आप माइंस में सीख रहे हैं उसे लगातार नोट करते जाएं। दोस्तों मैं जो बता रहा हूं उसमें भले ही कोई पॉइंट छूट जाए लेकिन मैंने मैक्सिमम पॉइंट को कवर कर लिया है। दोस्तों ध्यान दें, आप इस इमेज में आपको इसी टाइप से अपनी डायरी को मेंटेन करनी है। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये है लिग्नाइट प्रोजेक्ट माइंस की कुछ इन्फॉर्मेशन। आपको यही इन्फॉर्मेशन अपने माइंस के बारे में पता करनी है और अपने डायरी में मेंटेन करनी है, इससे आपको बहुत से नॉलेज मिल जाएगी। आइए देखते हैं किस टाइप की इन्फॉर्मेशन है। दोस्तों सबसे पहले आप अपने माइंस का नाम लिखें, फिर वहाँ के जो जीएम है आप उनका नाम लिखें, आपका ट्रेनिंग कितना साल का है आप ये अपने डायरी में मेंटेन करें, फिर आपके माइंस का लोकेशन क्या है और उसके बाद मेथड ऑफ वर्किंग, माइंस आप जो अपने माइंस में ट्रेनिंग कर रहे हैं वहाँ किस टाइप से वर्किंग हो रहा है, चाहे वो ओपन कास्ट हो सकता है या अंडरग्राउंड हो सकता है, तो आप उसे अपने डायरी में मेंटेन करें। फिर स्टिपिंग रेशियो भी मेंटेन करें, बहुत ज़रूरी है। फिर आपको मिनरल के बारे में नोट कर रहा है, आपके माइंस में क्या निकाले जा रहे हैं, कोयला, लिग्नाइट, लाइमस्टोन वगैरह वगैरह। फिर आपको आपको डेप्थ ऑफ सीम पता करनी है, आपके माइंस में जो सीम है कितना मीटर का है, फिर उसके बाद नंबर ऑफ सीम, आपके माइंस में कितना नंबर ऑफ सीम है उसे नोट करना है, फिर डेप्थ ऑफ माइंस, आपकी गहराई कितना है माइंस का उसे भी नोट करना है। ठीक, आपको इसी तरह टोटल लीज एरिया, टोटल एक्वायर्ड एरिया, टोटल मिनरल एरिया, डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ माइंस, नेट मिनरल रिजर्व, स्टिपिंग रेशियो, डिस्पैच ऑफ ट्रक, एनुअल ओवरबर्डन रिमूवल, एनुअल प्रोडक्शन, ये सब आपको अपनी डायरी में नोट करना है। दोस्तों आपको ये सब भी सब्जेक्ट को फॉलो करना है, मैकेनिकल प्रोडक्शन, जियोलॉजी सर्वे, इलेक्ट्रिकल एंड सेफ्टी ऑफ माइंस, ये सब भी आपको देखनी है। दोस्तों आपको मैकेनिकल एक्सकलवेटर की नॉलेज होनी चाहिए, डोजर की भी नॉलेज होनी चाहिए, डोजर एंड रिपर की भी, डंफर की भी, मोटर ग्रेडर, लोडर, ये सब की आपको मशीनरी की नॉलेज होनी चाहिए, आपके माइंस में कितने टाइप से मशीनरी यूज़ हो रही है और आपको कौन गाइड कर रहा है ट्रेनिंग में, इसको भी नॉलेज होनी चाहिए। इस टाइप से आप अपनी डायरी को मेंटेन करें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।